हेलो माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू होप यू आर ऑल हैविंग एन एक्सेलेंट लाइफ एंड एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट ऑफ द एक्सटेंट माय डियर फ्रेंड्स आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके पास में जीने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं रोटी कपड़ा और मकान उसका कमी थी लेकिन दूसरा तीन चीज उसके पास में भरपूर था क्या था वो चीज़ पहला जो चीज़ था उसके पास में वो था कि सपना देखने की ताकत सपना देखने की हिम्मत जो दूसरा था वो था खुद के ऊपर अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस और तीसरा था कि सपना देखने के बाद में उसको हकीकत में बदलने के लिए डिटर्मिनेशन हाँ डियर दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको बोलने वाला हूँ शायद आपने उनका नाम सुने हो या फिर ना सुने हो बट ये कहानी जब अंत होगा तब आप सारे लोग उसको जान जाओगे पहचान जाओगे एंड प्रोबेबली दैट पर्सन विल बिकम द रोल मॉडल टू वन ऑफ यू दैट पर्सन इज नन अदर दैन एडविन सी बर्नेस मे बी द नेम इज़ लिटिल न्यू टू यू बट मैं अगर आपको एक दूसरा नाम बोलूँ थॉमस अल्वा एडिशन शायद ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं, नहीं है थॉमस अल्वा एडिशन वज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंटर्स और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें थे कि मैनकाइंड के लिए उनका जो रिवोल्यूशनरी uh, इन्वेंशनस था वो चीज़ को उन्होंने मैनकाइन का काम में लगाया थ्रू ऑन्टरप्रन्यरशिप तो ये जो अपना मिस्टर थामस अलवा एडिशन थे ये अमेरिका का न्यू जर्सी में रहते थे और वहाँ पे इनका बहुत बड़ा लैबोरेटरी था जिनको एडिसन लैबोरेटरी बोला जाता था ना यहाँ से बहुत सौ माइल दूर एक छोटा सा गांव में अपना ये एडविन सी बर्डनेस रहते थे इनका दिमाग में इनका ज़िंदगी में एक ही ड्रीम था कि हमें मिस्टर थॉमस अल्वा एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना है लेकिन ये ड्रीम बहुत दूर था फिज़िकली एंड मेंटली। उन उनका जो पहला काम था कि पहले जाके मिस्टर अल्वा एडिसन टॉमस अल्वा एडिसन से जाके मिले एट हिज लेबोरेटरी एट न्यू जर्सी लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वहाँ तक जाने के लिए उसके पास में पैसा भी नहीं था व्हाट ही थॉट? उन्होंने अपने आप को एक गुड स्ट्रेन में उठा दिया और एक सामान की तरह वो किसी भी तरह न्यू जर्सी में पहुँचे और उसी दिन उन्होंने सुबह अपना सारे जो भी सामान थे और अपना जो घिसे पिटे कपड़ा था और खुद को लेके पहुंच गए हैं एडिसन लैबोरेटरी में और उनका लक बहुत अच्छा था उन्होंने मिस्टर थॉमस आल्वा एडिसन को मिल भी लिए और आफ्टर द फर्स्ट ग्रीटिंग व्हाट ही सेड टू तो मिस्टर थॉमस आलवा एडिसन कि सर आई वांट टू बी अ बिजनेस पार्टनर ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे जितने भी लोग थे दे ऑल स्टार्ट लाफिंग लाइक मैड अ पर्सन हु कैनोट इवन स्टैंड प्रॉपरली अ पर्सन हु हैव इवन द क्लोथ्स प्रॉपरली एंड ही इज ड्रीमिंग टू बी अ बिजनेस पार्टनर ऑफ नन अदर देन थॉमस अल्वा एडिशन लेकिन मिस्टर एडिसन उन्होंने हंसे नहीं उनको एक अजीब सा डिटर्मिनेशन दिखा उस मिस्टर बर्डनेस का आंखों में एंड वॉइस में उन्होंने बोला ठीक है वो तो बात की बात है इफ़ यू वट देन आई कैन ऑफर यू अ जॉब आप हमारे साथ में रह सकते हो एंड देन बाद में देखा जाएगा क्या जॉब माई डियर फ्रेंड्स मिस्टर एडविन सी बर्नेस बिन ऑफर द जॉब ऑफ अ फ्लोर क्लीनर अ स्वीपर ऑफ देट लेबरेटरी हम में से बहुत सारे लोग होते जो एक बिजनेस पार्टनर बनने की ख्वाब लेके कहीं पर पहुंचे और उसी ऑफिस में उसको फ्लोर क्लीनर का जॉब दिया जाए वो शायद सारे ड्रीम को वहीं पर रख के घर चले आते बट माई डियर फ्रेंड्स एडविन सी बर्नेस वो नहीं किया ही सेट यस मुझे आप लोगों के साथ में रहना है यहीं पे रहना है और कोई काम छोटा नहीं होता मैं यही काम स्टार्ट करूंगा एन स्टार्टेड वर्किंग एज ए फ्लोर क्लीनर अच्छा काम होता रहा विथ फुल डेडिकेशंस। मिस्टर थॉमस अल्वा एडिशंस खबर लेते रहे बट इट वॉज ऑल हैपनिंग वेरी साइलेंटली इन द मीन टाइम मिस्टर थॉमस अल्फा एडिशन इन्वेंटेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड एडिफोन इट वाज़ अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एडिफोन था ऐसे प्रोडक्ट कि कोई भी इंसान उसके सामने कुछ भी बोले वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद में वो फिर ही कैन लिसन आज का दिन में बहुत आम प्रोडक्ट है बट दैट टाइम एडिफोन वाज़ अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बट माई डियर फ्रेंड्स जो सेल्स टीम थॉमस अल्वा एडिशन्स के थे दे आउट रिजेक्टेड दैट प्रोडक्ट दे एसेट की सॉरी बॉस दिस प्रोडक्ट इज अनसेलेबल कंसेप्ट बिल्कुल नया है इस कंसेप्ट को तो समझाना नामुमकिन है दिस प्रोडक्ट वुड बी आ फेल्यूर इन द मार्केट मिस्टर थॉमस अल्बा एडिशंस का काफी साल का मेहनत पैसा सारे इस प्रोडक्ट के पीछे लग चुका था तो ही वॉज लिटरली डिप्रेस एंड डाउन क्योंकि सेल्स टीम हाथ उठा दे नो बडी कैन सेल द प्रोडक्ट एट दैट मोमेंट मिस्टर एडविन सी बर्नेस रीच देयर एट दैट पर्टिकुलर ऑफिस He heard the conversation and he straightway went to Mr. Thomas Alpha Edison and said, Sir, I take the responsibility to sell this product in the market. You please give me the exclusive distributorship of this product for entire America, and within six months I will give you the result. Mr. Thomas Alpha Edison kept mum for a few seconds. He thought, what is happening? When my so qualified, educated, experienced sales team had uh, you know said Ki, this product cannot be sold. They have dumped the product. This young guy who is actually a floor cleaner of my laboratory is so confident. But Mr. Edison had nothing to lose here. He said, I manage an exclusive distribution right there for this product for entire America. And show me the result. My dear friends, the latter part is history. Not even six months. Within three months, Mr. Edwin C. Berners sold few hundreds of products, and Mr. Thomas Alva edition became so happy, so happy, so proud of him that ultimately he made the papers ready, and he made Edwin C. Berners as his exclusive distributor for Ediphone for the entire America. This happened. This all happened in 1905. Year 1905. Next, around 10 to 12 years, this association grew manifold, and then ultimately a company was formed in the name of Edwin C. Bernice and Brothers. The tagline came: "Built by Edison, put by Bernice." And this company became very iske After me Mr. Bernice took the exclusive distributorship of many product and he successfully became the business partner of none other than Thomas Alva addition. My dear friends what we have learned from these things a person who didn't have anything only a dream to see and the courage to meet that dream self-confidence determination could reach to this place from that place from racks to reaches if he could do it any one of us can do it we should have the confidence वी शूड अब द कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ एंड वी शूड वी शूड बी कॉमिटेड टूवर्ड्स आवर गोल आवर डेस्टिनेशंस एंड ये जो एक कहानी है ये कहानी आज आज हिस्ट्री में जगह ले लिया और हो सकता है कि इससे छोटा इससे बड़ा बहुत सारा कहानी है बट हमारे लिए क्या सीख है कि अगर हमारा पास में सपना देखने की क्षमता है ताकत है और उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट है देन नो ड्रीम इज अ ड्रीम टू आस वी कैन रीच टू एनी ड्रीम एंड एनी डेस्टिनेशन मिस्टर थॉमस अल्वा एडिशन ही वाज ही इज इन द हिस्ट्री एंड मिस्टर एडविन सी बारनेस मेड हिमसेल्फ अवेलेबल इन द हिस्ट्री बाय हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट हीज कंपनी ग्रीव मैनिफोल्ड He gave the employment to few thousands of people. His company was transformed into one of the greatest companies of America. And today we all recall both Mr. Thomas Alva Edition and Edwin C. Burns together as a successful business partner, which was the dream of that person. My dear friends, I thought to share this incredible story to all of you, and I'm pretty sure that this story would give us the confidence and uh, that support within our mind that if we have a dream and if we have a commitment and if we are committed then anything and everything is possible by, by us with this i'm closing this video hope you have enjoyed this story and got the uh views the informations very rightly we are going to meet you again till then have a great life and have a successful life all the very best bye